Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. फ्रेंड्स, वॉइस इज फिनिश्ड. वॉइस फिनिश्ड हो गया है. एज आई टोल्ड यू दैट आफ्टर फिनिशिंग दिस वॉइस चैप्टर्स आई विल स्टार्ट द कन्वर्सेशनल वॉइस. हाउ टू रिकग्नाइज द सेंटेंसेस फ्रॉम द वॉइस व्हेन वी स्पीक टू एनीबॉडी. ठीक है फ्रेंड्स, ज्यादातर प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को या किसी को भी बातचीत करते वक्त वॉइस वाले सेंटेंस को रिकग्नाइज करने का, मीन्स पहचानने का कि कौन सा सेंटेंस किस वॉइस का है, वॉइस है कि नहीं है, मतलब पैसिव वॉइस है कि नहीं है, ये पहचानने में काफ़ी दिक्कत होती है. तो मैं आज से वही क्लियर करने वाला हूँ आपका कन्फ्यूजन्स. बिल्कुल ही सिंपल फार्मूला है जो मैंने बनाया है. फार्मूला ये पहचानने का किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको, बट सटीक है. मैंने काफ़ी ट्राई करके देखा है. जब सारे रास्ते मीन्स किसी भी रास्ते से जब स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं तो ये रास्ता अपनाता हूँ मैं और इसे समझ जाते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देखना. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, कन्वर्सेशनल वॉइस होता है क्या? आप बोलेंगे वॉइस कन्वर्सेशनल वॉइस, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन कन्वर्सेशनल वॉइस और ये जो मैंने पढ़ाया उसके बीच. तो फर्क यही है कि जो मैंने आपको पहले वॉइस पढ़ाया उसमें सिर्फ चेंजिंग करने के लिए बताया कि एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव कैसे बनाते हैं. ज़्यादातर जो एग्जाम्स में काम आते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो तो हो गया. बट अब बोलचाल के भाषा में जब हम बोलने जाते हैं किसी से, तो उस वक्त हम किसी भी हमारे दिमाग में जब सेंटेंसेज आते हैं पैसिव वॉइस के, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस पैसिव है और इसको हम किस तरह से बनाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी को हम पहचानने का सबसे सरल तरीका बताएंगे और उसके बनाने का भी. ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वर्सेशनल वीडियो. हाय प्रीति, वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग. यू हैव माय ओल्ड बैग, विल यू गिव मी? यस आई कैन, बट आई डोंट हैव एक्स्ट्रा, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दिस. इट्स ओके, आई वाज जस्ट आस्किंग बिकॉज़ आई नो दैट यू वोंट गिव मी. Would you like to bring something for me from the market? I am about to come late. How do you know that you are to be late? I am going with my friends. I had to ask you for my English book. I read that. It was very good. That's why I gave you. What kinds of book you like? Mostly story books. Let me go. I'm getting late. I had not held you. Okay, bye. I am in hurry now. Okay, bye. Okay, friends. So let's start. सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को जब पैसिव सेंटेंस होते हैं तो उसको हम कैसे पहचानते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस पैसिव का है और ये एक्टिव का है. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैं एक सेंटेंस लेता हूं. इसका जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वी थ्री प्लस अदर्स. ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको यह भी बता देना चाहूंगा कि इसमें वॉइस में भी दो तरह के वॉइस होते हैं जिसको मैं अभी बता रहा हूं कन्वर्सेशनल. ये इनट्रांजेक्टिव है. एक ट्रांजेक्टिव होता है और इनट्रांजेक्टिव होता है. तो ट्रांजेक्टिव जो मैंने इससे पहले आपको बताया पढ़ाया वो ट्रांजेक्टिव था, सारे के सारे ट्रांजेक्टिव थे. और अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो इंट्रांजेक्टिव होंगे. अब आप बोलेंगे कि ये ट्रांजेक्टिव और इंट्रांजेक्टिव में क्या फर्क है. तो ट्रांजेक्टिव मतलब जिसमें कर्म होता है, मीन्स सकर्मक होता है. मीन्स जैसे हम बोल रहे हैं कि आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो आम किसके द्वारा खाया जा रहा है? राम के द्वारा. उसमें वो दिया हुआ है, उसमें चर्चा किया गया है उसका ऑब्जेक्ट का. तो ऑब्जेक्ट जिसमें होता है, जो बाई के बाद आता है, बाई राम, बाई हिम, बाई देम, ये सब ट्रांजेक्टिव होता है. और इनट्रांजेक्टिव में ये चीज नहीं होता है कि किसके द्वारा काम किया जा रहा है. ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि आम खाया जाता है, ठीक है, मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई, रोड बना दिया गया,
पेड़ को काट दिया गया है। इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं वो इंटरजेक्टिव होते हैं, जिसमें बाई नहीं आता, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता कि बाई के बाद हम क्या लिखेंगे, इसमें बाई आता ही नहीं है, उसका झंझट ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। देखिए जैसे आम खाया जाता है, ठीक है, ये प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का मैंने सेंटेंस लिखा है। और इसका हम पहचान का नियम पहले आपको बता देते हैं कि किसी भी वर्ब के बाद, जाता है, जाती है, जाते हैं और जाता हूं, ऐसा रहेगा तो आप समझ जाना कि वो सेंटेंस पैसिव सेंटेंस है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मेकिंग जो फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी किसी सेंटेंस के अंत में वर्ब के बाद यानी क्रिया के बाद जाता है, जाती है, जाते हैं, जाता हूं रहेगा, तो वो समझ जाना आप कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस है और उसको हम पैसिव सेंटेंस के फॉर्मूले के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आम खाया जाता है, द मैंगो, फिर उसके बाद इज आ रहे में तो इज लगेगा, इज वी थ्री ईटन। ठीक है, मेरे स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है, तो अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है, पढ़ाना इज द वर्ब और जाती है उसके बाद आ रहा है, तो आप समझ लो कि ये पैसिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस है ये। तो मेरे स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है, तो मेरे स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है, पढ़ाना के बाद यानी पढ़ाई जाती है, पढ़ाने के बाद, पढ़ाना इज द वर्ब और उसके बाद जाता है, जाती है, आ रहा है, जाती है, आ रहा है, समझ लेना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस है और इसको हम इस फॉर्मूले से बनाएंगे। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, इंग्लिश इज नॉट टाउट इन माई स्कूल, इंग्लिश इज नॉट टाउट इन माई स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है पहचानने का। जब भी मैं हम बोलचाल में किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त पैसिव सेंटेंसेस को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है काफी लोगों के लिए, जो सीखते हैं इंग्लिश, जो सीख के बोलना सीखे हैं, जो भी सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है पहचानना। तो उसी को पहचानने के नियम, मतलब पहचानने का नियम मैंने बताया है और ये बनाने का नियम है। जब भी जैसे कोई पूछ रहा है आपसे कि ये यार दूध कहाँ मिलता है, दूध कहाँ मिलता है यानी मिलता आ रहा है, यानी दूध कहाँ पाया जाता है, हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं, दूध कहाँ पाई जाती है या दूध कहाँ बेचा जाता है, तुम्हारे गाँव में दूध कहाँ बेचा जाता है, दिस इज द पैसिव सेंटेंस। तो उसको हम पैसिव ये फॉर्मूला से बनाएंगे डायरेक्ट, दिस इज द इंट्रांजेक्टिव, इसमें कोई बाई लगाकर उसे नहीं है कुछ, बाई वाला तो बिल्कुल सिंपल होता है, जिसमें जो ट्रांजेक्टिव होता है उसका पैसिव सेंटेंस पहचानना मुश्किल नहीं होता है, वो बहुत ही ईजी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं और फटाफट बनाते जाते हैं। तो ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखा है कि भारत में दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है, तो धूमधाम से मनाई, मनाना इज द वर्ब, उसके बाद जाती है आ रहा है, ये पहचानने का नियम है, मनाई जाती है, तो दिस इज द पैसिव सेंटेंस। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि हम लोग भारत में या भारत के लोग दिवाली बड़े धूमधाम से मनाते हैं, तो भारत के लोग दिवाली धूमधाम से मनाते हैं, मनाने के बाद जाता जाते नहीं आ रहा है तो वो एक्टिव हो जाएगा, और मनाने के बाद जाती है आ रहा है तो ये पैसिव हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे बनाएंगे कि दिवाली इज सेलिब्रेटेड with great eclat in the India. Diwali is celebrated with great eclat in the India. ठीक है friends? अब सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं, तो पाए means पाना, पाना is the verb, अब verb के बाद जाते हैं, आ रहा जाते हैं, this is a passive sentence. This is a passive sentence.
क्वेश्चन वर्ड है इसलिए हम क्वेश्चन वर्ड पहले डालेंगे. तो वेयर इज द व्हाइट एलिफेंट फाउंड. जाते हैं इसलिए हम आर लिख देंगे यहां पर क्योंकि ये बहुवचन है. वेयर आर द व्हाइट एलिफेंट्स फाउंड, कहां पाए जाते हैं. इसी तरह से बोलेंगे यार तुम्हारे गांव में दूध कहां बेचा जाता है, तो वेयर इज मिल्क सोल्ड इन योर विलेज. ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं अपने क्लास में ये बताते बताते मैं बीच में ऐसा कुछ सेंटेंस लिखवा देता हूं कि उसका भाई स्कूल पैदल जाता है, तो फिर वो कंफ्यूज होकर उसको भी वॉइस पैसिव वॉइस में ये बना देते हैं. उसका भाई स्कूल पैदल जाता है, इसमें पैदल जाता है, इसमें वर्ब क्या हुआ, इसमें वर्ब जाता मीन्स जाना ही वर्ब है, गो इज द वर्ब. तो वहां पर हम वर्ब के मैंने मैंने क्या बताया कि वर्ब के बाद जाता है, जाती है, जाते हैं, जाता हूं रहेगा, तभी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस कहलाएगा, वरना वो एक्टिव होगा. पहचानना जरूरी है, जब भी हम किसी से टॉकिंग करने जा रहे होते हैं या इंग्लिश में हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हमने सीखा है इंग्लिश कहीं से, जन्मजात नहीं मिला है हमें इंग्लिश, विरासत में नहीं मिली है, हमने सीखा हुआ है, तो सीखने के बाद सेंटेंसेस को रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा सेंटेंस है और किस तरह से इसको बनाया जाता है. वो रिकग्निशन आपको अगर पक्का हो जा रहा है तो फिर आप बोलने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. मीन्स ज़्यादातर लड़के मुझसे बोलते हैं कि सर वॉइस का इस्तेमाल हम बोलचाल में किस तरह से करते हैं, तो इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस वॉइस का है और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस है. अगर ये पहचानना आ जाए तो फिर आपको बोलना मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो क्लास था वो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा अच्छी तरह से. अब आप भी इस्तेमाल करेंगे बोलचाल के समय, जब भी किसी से आप इंग्लिश में बात कर रहे होंगे तो आप पैसिव वॉइस को पहचान कर इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद.